गुड मॉर्निंग चैम्पियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड वेल प्लेइंग एट योर होम. सो माई डियर स्टूडेंट, दिस इज योर कन्वर्सेशन क्लास टूडे. फर्स्टली वी आर गोइंग टू टेक अ प्लेज, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट योर कन्वर्सेशन चैप्टर. सो लेट स्टार्ट. आई एम हरमन, कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कलीग्स फ्रॉम COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water too. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you, students. This is your chapter number 12, birds. Now we are going to talk about birds. Let's start conversation between students and teacher. Let's start. Teacher, good morning students. Today we will talk about birds. Teacher बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों good morning, और आज हम बात करेंगे बर्ड्स के बारे में. अनुज सर, डू ऑल बर्ड्स हैव विंग्स? अनुज ने सर से पूछा, क्या सर सभी बर्ड्स के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं? टीचर्स, यस, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट फ्लाई. टीचर ने बताया अनुज को, हाँ कि विंग्स होते हैं बर्ड्स के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके विंग्स होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं. अनुज, सर व्हाट डू वी कॉल सच बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई? अनुज ने पूछा सर से कि उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं जिनके पंख होते हुए भी वो उड़ नहीं सकते, वो फ्लाई नहीं कर सकते. टीचर, वी कॉल देम फ्लाइटलेट बर्ड्स. उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स. ओके. माया, सर विच इज द लार्जेस्ट बर्ड? ठीक है, माया ने पूछा सर कौन सा सब बर्ड सबसे बड़ा बर्ड है? टीचर, इट इज एन ऑस्ट्रिच. ये क्या है? ऑस्ट्रिच बर्ड है. ऑस्ट्रिच ऐसा बर्ड है जो कि लार्जेस्ट बर्ड्स है सभी बर्ड्स में से. सुशांत, सर विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? सुशांत ने सर से पूछा कि कौन सा बर्ड सबसे छोटा बर्ड है? टीचर, इट इज अ हमिंग बर्ड. इट कैन फ्लाई फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. सर ने बताया कि वो हमिंग बर्ड है, ठीक है, जो सबसे छोटा बर्ड है, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? हमिंग बर्ड. वो आगे पीछे और ऊपर नीचे फ्लाई कर सकता है. ओके. अक्षरा, विच बर्ड कैन सी एट नाइट? वो कौन सा बर्ड है वो राइट में देख सकता है? एन आउल कैन सी एट नाइट. जो आउल है, उल्लू है, वो रात को ही देख सकता है, डे में नहीं देख सकता. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 28. मयंक, सर विच बर्ड्स ले द लार्जेस्ट एग? मयंक ने पूछा सर वो कौन सा बर्ड है वो जिसके एग्स बहुत बड़े होते हैं, जो सबसे बड़े एग्स देता है? टीचर, एन ऑस्ट्रिच. इट इज आल्सो द फास्टेस्ट रनर. ठीक है, जो कौन सा बर्ड है? ऑस्ट्रिच बर्ड के सबसे बड़े एग्स होते हैं. ठीक है, एग्स होते हैं लार्जेस्ट एग्स, और बहुत तेज भाग सकता है वो. ओके. अजय, सर कैन अ पेंगुइन फ्लाई? सर ने अजय ने सर से पूछा क्या पेंगुइन फ्लाई कर सकता है? नो, अ पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. सर ने बताया कि पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता. टीचर, विच इज अवर नेशनल बर्ड?
टीचर ने पूछा बच्चों से कि हमारा कौन सा बर्ड जो है नेशनल बर्ड है। स्टूडेंट ने बताया पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा नेशनल बर्ड है। सुमन सर विच बर्ड डिग्स अ होल इन द ट्री ट्रंक। सुमन ने सर से पूछा कि वो कौन सा बर्ड है जो कि पेड़ में होल करके उसमें रहता है। टीचर इट इज अ वुड पिकर, वो कौन सा है, वुड पिकर। ठीक है, वुड पिकर ऐसा बर्ड है जो के पेड़ में होल करके उसमें अपना नेस्ट बना के रहता है। राहुल विच बर्ड कैन टॉक लाइक अस, वो कौन सा बर्ड है जो हमारी तरह बात कर सकता है। राहुल ने पूछा सर से, सर ने बताया टीचर अ ट्रेंड पैरट कैन टॉक लाइक अस, वो ऐसा बर्ड ऐसा पैरट जिसको ट्रेंड किया हो वो हमारी तरह बात कर सकता है। ओके राहुल विच बर्ड इज अ गुड स्विमर, राहुल ने पूछा वो कौन सा बर्ड है जो अच्छी तरह स्विमिंग करना कर सकता है। पेंगुइन इज अ वेरी गुड स्विमर, सर ने बताया कि जो पेंगुइन बर्ड है वो बहुत अच्छी तरह स्विमिंग कर सकता है। पेंगुइन इज अ वेरी गुड स्विमर। रितिक इज योर एनी बर्ड डैट मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड, वो कौन सा बर्ड है, यहाँ पे कोई ऐसा बर्ड है जो कि ग्राउंड में अपनी नेस्ट बनाता है, कौन सा है। यस पार्ट्रीज इज अ बर्ड डैट मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड, एक पार्ट्रीज मीन्स के तितर, इसको हम क्या बोलते हैं, तितर है, ऐसा बर्ड है जो कि अपना ग्राउंड के ऊपर नेस्ट बना के रहता है। ओके मीना विच बर्ड इज अ लेजी बर्ड, कौन, मीना ने पूछा सर से कि वो कौन सा बर्ड है जो बहुत लेजी बर्ड है। टीचर ने बताया कुकू इज अ लेजी बर्ड, इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट। सर ने बताया कि कुकू जो कि कोयल है एक लेजी बर्ड है क्योंकि वो अपने एग्स कहाँ पे रखता है, कहाँ पे रखती है, क्रो के नेस्ट में, वो एक लेजी बर्ड है। अरुण डू ऑल बर्ड्स हैव द सेम फीडिंग हैबिट्स, अरुण ने पूछा सर से क्या सभी बर्ड्स की फीड करने की हैबिट सेम है, एक जैसे हैबिट्स करते हैं। सर ने बताया नो बर्ड्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, सम बर्ड्स ईट ग्रेन्स व्हाइल सम ईट फ्लैश। ठीक है, कुछ सर ने बताया नो सभी की फीडिंग हैबिट सेम नहीं है, कुछ खाते हैं ग्रेन्स खाते हैं और कुछ खाते हैं फ्लैश। ओके माय डियर स्टूडेंट आई होप आपको आज की कन्वर्सेशन अच्छी समझ आ गई है। ओके वेट इट अगेन एट योर होम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर चैंपियंस।